वजीर सेहत हरीश राव ने ऐलान किया कि आइंदा माह से डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजों में डायलिसिस की सहूलत और कीमोथेरेपी खिदमात फराहम की जाएंगी। इब्तदाई तौर पर यह खिदमात 6 जिला मेडिकल कॉलेजों में दस्तियाब कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजों में रेडियोथेरेपी की खिदमात भी दस्तियाब कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि आवाम को अपना तर्ज ज़िंदगी बदलना चाहिए और जंक फूड खाने से गुरेज करना चाहिए। इस सिलसिले में आवाम में शऊर बेदार करना चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने शहर हैदराबाद के MNJ कैंसर हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कॉर्पोरेट कंपनियों से ख्वाहिश की कि वो कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत तिब्बी सेहत खिदमात के शोबे में खिदमात अंजाम देने के लिए आगे आएँ। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि MNJ कैंसर हॉस्पिटल में कायम जदीद तिब्बी सहूलियात की वजह से हर माह 12 अफराद मुफ्त बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। वजीर ने वजाहत की कि खवातीन के लिए 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक कैंसर वार्ड और 120 बिस्तरों वाला पेडियाट्रिक वार्ड कायम किया गया है। उन्होंने वजाहत की कि अगले साल सरकारी अस्पतालों में 10,000 सुपर स्पेशलिटी बिस्तर दस्तयाब कराए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना के अवाम की सेहत के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए मुख्तलिफ इकदाम के बारे में बताया।